नगवा गांव बलिया उत्तर प्रदेश से क्रांतिकारी मंगल पांडे की शहादत को जानेंगे। क्यों उन्हें इतिहास के पन्नों में आज भी याद किया जाता है। 1857 का वो शाम, 29 मार्च 1857 का वो शाम, रविवार का दिन, बैरकपुर की आर्मी कैंप में ऐसा क्या हुआ था वो हम जानेंगे। 22 वर्ष की उम्र में 1849 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के 34वें नेटिव इन्फेंट्री आर्मी को उन्होंने ज्वाइन किया था। उसके बाद जब आर्मी ने ब्रॉन 20 राइफल को इस्तेमाल करने से इनकार किया और नई राइफल लॉन्ग इनफील्ड राइफल को इस्तेमाल करने के लिए लाया, तो उसके कारतूस में पिक का पॉर्क और कॉ का पॉर्क को इस्तेमाल किया गया, जो कि दोनों धर्म के लिए नष्ट करने की वजह बन सकती थी। 34 इन्फेंट आर्मी के मंगल पांडे ने इसका विरोध किया 29 मार्च 1857 को, जिसमें सारे आर्मी, 400 आर्मी के कैंट के लोग थे वहां पे, उनके खिलाफ कहा कि तुम अंग्रेजों के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो रहे हो, फिरंगिये यहां मौजूद हैं और हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं। जब वहां पर हंगामा हुआ तो बी एच बोय मौजूद हुए हैं, वहां पर आए पैरेट से। जैसे ही बी एच बोय आते हैं, मंगल पांडे उन पर गोली चला देते हैं। ये आवाज सुनकर वहां पे मौजूद लेफ्टिनेंट बॉग हुसैन भी आ जाते हैं। उसके बाद वहां के कमांडर जो नेटिव इन्फेंट आर्मी के ऑफिसर थे, कर्नल स्टीव वॉलर भी मौजूद हो जाते हैं। उसके बाद वे आर्मी को कहते हैं कि इन्हें अरेस्ट कर लीजिए। अरेस्टिंग के वक्त उन्होंने अपने बंदूक की गोली से खुद को जख्मी कर लिया। अरेस्ट होने के बाद जब वो अदालत पहुंचते हैं तो अदालत में उनकी बात रखी जाती है और उन्हें 18 अप्रैल 1857 को फांसी देने का आदेश दे दिया जाता है। लेकिन मिलिट्री रिवोल्ट इस तरह बढ़ चुका था तो अंग्रेज डर चुके थे कि कहीं पूरी तरह इंडिया में ऐसा रिवोल्ट ना हो जाए, मिलिट्री विद्रोह ना हो जाए, इसलिए उन्हें 8 अप्रैल 1857 को ही फांसी 5:30 बजे सुबह में दे दिया जाता है। इस तरह से मंगल पांडे की शहादत हो जाती है और आंख नम हो जाती है तमाम गंगा के पार के लोगों की और गंगा के द्वाब के आसपास के एरिया की, पटना, अवध और तमाम उत्तर प्रदेश के मिलिट्री मेरठ के आर्मी में यह बात चिंगारी आंख की तरह फैल जाती है। 1857 का विद्रोह इतिहास के पन्ने में आज भी नाम दर्ज है मंगल पांडे का, जो देश के असल वीरों में से है। जय हिंद, जय भारत।